हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर, क्योंकि आज हमें दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज इशू एंड सेकंड इज अलॉटमेंट। सो फर्स्टली हम इशू डिस्कस करेंगे, देन हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर को कंप्लीट करेंगे। सो शेयर हमें पता ही है क्या होते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं कि शेयर क्या है। शेयर इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपनीज कैपिटल, की कंपनी की कैपिटल का एक स्मॉल पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर। हमने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लिया था कि जैसे 1000 शेयर हैं एट द रेट 10, तो उसका टोटल, हमारी टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10,000। तो 1000 शेयर कैपिटल का एक क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, क्योंकि 1000 शेयर इट मीन्स हर एक 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 शेयर्स है, मीन्स 111 करके हमारे पास 1000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं। सो वो क्या है, हमारे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आर शेयर कैपिटल। अब इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, व्हेन एवर द कंपनीज इशूइंग द शेयर एंड सिक्योरिटी टू पब्लिक और आस्किंग फॉर कैपिटल इज इश्यू ऑफ शेयर। की इश्यू ऑफ शेयर क्या है कि जब भी कोई कंपनी शेयर या फिर हम कोई और सिक्योरिटी लेके चल सकते हैं, डेबेंचर्स हो सकते हैं, वो इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड, कुछ भी हो सकती है, बट स्पेशली हम किसे डिस्कस करेंगे, इशू को, क्योंकि हम किसका, शेयर के इशू को डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज हम इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं। लेकिन जब भी कोई कंपनी शेयर को पब्लिक में इशू करती है कि लोग उसे सब्सक्राइब करें, उसे हम क्या बोलते हैं, इश्यू ऑफ शेयर। इट स्टार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट और लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रोसेस विल कम। इट मींस क्या है कि सबसे पहले जब हम इशू करते हैं, इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को सेटअप कर लिया है, अब उन्हें क्या चाहिए, मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब वो बिजनेस कहां से, वो कैपिटल कहां से आएगी, एक पब्लिक कंपनी कैपिटल कहां से लेके आती है, पब्लिक में शेयर इशू करके। यानी कि मान लो वो 10,000 शेयर पब्लिक में इशू कर देगी, तो 10,000 शेयर्स को कौन कौन खरीदेगा, ये किसके अंदर आता है, इशू ऑफ शेयर के अंदर, कि हमने पब्लिक में शेयर कैपिटल के लिए इशू कर दिया है, उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर, कि हमें पब्लिक में शेयर डाल दिए हैं, अब उनका सब्सक्रिप्शन हमें चाहिए। अलॉटमेंट क्या है, इशू ऑफ शेयर होने के बाद जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट। व्हेन कंपनी वॉन्ट शेयर कैपिटल, कि कंपनी को क्या चाहिए, शेयर कैपिटल चाहिए। बिजनेस सेटअप करने के बाद कंपनी को कैपिटल तो चाहिए ही, वो पैसा लगाएगी तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो वो पैसा कहां से आएगा, एक पब्लिक कंपनी तो पब्लिक में इशू करेगी तभी तो उनके पास पैसा आएगा, लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो इशू ऑफ शेयर क्या है कि शेयर कैपिटल के लिए जब कंपनी शेयर को पब्लिक में इशू करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर। इशू एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब इशू प्रीमियम पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, और फेस वैल्यू पे भी हो सकता है। नॉर्मली तो हम फेस वैल्यू पे ही करते हैं, तो हमें डिस्कस कौन सा करना है, प्रीमियम और डिस्काउंट। सो फर्स्ट है इशू ऑफ सिक्योरिटी एट प्रीमियम। अब इशू ऑफ फेस वैल्यू क्या होता है, पहले तो हम ये बता दें कि अगर किसी को ना पता हो कि फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे हमारे शेयर थे 1000 हमारे शेयर हैं, तो एट द रेट जो 10 लिखा है ना, ये उसकी फेस वैल्यू है, यानी कि हमने हर शेयर की वैल्यू कितनी रखी है, 10। इसका मतलब ये उसकी फेस वैल्यू है और हमने 10 पे ही इशू किए हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे, फेस वैल्यू पे इशू किए हुए शेयर। नॉर्मली सिक्योरिटीज आर इशूड एट देयर पार वैल्यू और फेस वैल्यू, की नॉर्मली जो सिक्योरिटीज हैं वो उनकी पार और फेस वैल्यू पे ही इशू होती है, जैसे हमने लिया है एट द रेट ऑफ 10। बट रिटर्न ऑन फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट कंसर्न, नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर देयर अपॉन द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, कि अगर हम पार पे सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं, फेस वैल्यू पे सिक्योरिटी को इशू करते हैं, तो हमारे ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अगर हमें 1000 शेयर इशू करने हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो हम इजिली इशू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शेयर सर्टिफिकेट पे भी 10 का ही वैल्यू था और हम इशू भी 10 पे ही कर रहे हैं, यानी कि जो फेस वैल्यू है उसी पे इशू कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करने की नीड नहीं होती। लेकिन समटाइम्स कंपनी क्या करती है, अ ग्रोथ कंपनी, यानी कि जो कंपनी ग्रो कर रही है, जो प्रॉफिट में है, विद गुड प्रोस्पेक्ट, एक अच्छी इंटेंशन के साथ, इशूड सिक्योरिटी एट प्रीमियम, इट मीन्स सिक्योरिटी प्राइस अबोव देन द पार वैल्यू, एंड हियर आर ऑल्सो नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। कि जैसे हमने किया था कि वो क्या होते हैं, हमारे शेयर हैं 1000 एट द रेट 10, ये तो हमारी क्या थी, फेस वैल्यू, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू मेंशन है, हम 10 पे कर रहे हैं, तो भी हमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। लेकिन कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो और ज्यादा शेयर होल्डर्स, और ज्यादा सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने के लिए, अब ग्रोथ में है ही, प्रॉफिट तो उनके पास है ही, तो वो 1000 शेयर को
10 की जगह वो कितने पे इशू कर रही है, 15 पे, यानी कि 5 रुपए ज्यादा पे इशू कर रही है। वो क्या होता है, प्रीमियम, कि जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर को इशू करते हैं लो और हमारे सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने के लिए, शेयर कैपिटल को और बढ़ाने के लिए, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इशू एट प्रीमियम। और जब भी कोई कंपनी प्रीमियम पे इशू करना चाहती है तो उसे भी कोई लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी नहीं होती, क्योंकि जो फेस वैल्यू आपने मेंशन कर रखी है शेयर सर्टिफिकेट पे, उससे आप ज्यादा ही कर रहे हो, कोई कम नहीं कर रहे, तो वो शेयर होल्डर के लिए अच्छा ही है। बट फॉर यूजिंग द प्रीमियम अमाउंट, लेकिन मीन्स क्या है कि हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं उसके लिए कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, लेकिन जो प्रीमियम से पैसा आया है, इट मीन्स हमने क्या किया था कि हमारे 1000 शेयर थे एट द रेट 10, इट मीन्स हमारी टोटल शेयर कैपिटल कितनी होती, 10,000 होती, लेकिन हमने 15 पे इशू किया, इसका मतलब हमारे पास कितनी शेयर कैपिटल आई, 15,000 आई। तो 15,000 माइनस 10,000 जितनी आनी थी, हमारे पास एक्स्ट्रा कितने आए, 5,000। जो 5,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है प्रीमियम की वजह से, उसे हम इजिली यूज नहीं कर सकते, उसे हमें किस में डालना होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कि उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है, और उसे हम ऐसा नहीं कि उस पैसे को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसे हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। और उसे हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू इशू फुली पेड बोनस शेयर टू मेंबर्स, कि मेंबर्स को बोनस शेयर इशू करना हो उसके लिए ये यूज किया जाता है। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, जो शुरुआत में हमने फॉर्मेलिटी वगैरह की थी, जो भी हुआ था उसके जो एक्सपेंसेस आए थे, उन्हें रिटर्न ऑफ करने के लिए, टू रिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कमीशन डिस्काउंट, जो हम कमीशन या डिस्काउंट पे करना चाहते हैं उनके लिए इस पैसे को यूज किया जाता है। एंड फॉर बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटी, और अगर कंपनी अपनी सिक्योरिटी दोबारा वापस खरीदना चाहती है तो वो इस पैसे से खरीद सकती है। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी एट डिस्काउंट, अब हमने डिस्कस कर लिया कि इशू हम फेस वैल्यू पे नॉर्मली करते ही हैं, लेकिन प्रीमियम पे करते हैं तो भी हमें लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, सिर्फ लीगल रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ के ऊपर होती है, उस अमाउंट को यूज करने पे। लेकिन क्या एक कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर सकती है, अब प्रीमियम था कि फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे, तो डिस्काउंट का ऑब्वियसली क्या मतलब है, फेस वैल्यू से कम प्राइस पे। व्हेन शेयर आर इशूड फॉर कंसिडरेशन लेस देन देयर पार वैल्यू, कि जैसे वो क्या था, 1000 एट द रेट 10 कि 10 की जगह अब वो 8 पे इशू कर रहे हैं, तो क्या वो अलाउ है, वो होता है डिस्काउंट वैल्यू, इट कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, कि आप जो फेस वैल्यू है उससे भी कम पे पब्लिक में इशू कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। ए कंपनी इज परमिटेड टू इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इफ दे कंपाइल ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन, कि अगर आपको अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू करना है तो आपको कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर कंपनी इन सब चीज़ों को फॉलो करती है तो ही वो क्या कर सकती है, इशू ऑफ सिक्योरिटी एट डिस्काउंट। फर्स्ट क्या है हमारी, द शेयर मस्ट बी क्लास ऑलरेडी इशू, कि जो भी शेयर आप डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हो, एक बार वैसे ही शेयर आप पहले इशू कर चुके हो, जैसे इक्विटी शेयर करना चाहते हो या प्रेफरेंस करना चाहते हो। प्रेफरेंस के भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप किए थे, जो कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। तो जिस भी काइंड ऑफ शेयर है आपका, मान लो वो क्यूमुलेटिव शेयर है, तो एक बार आप उसे पहले इशू कर चुके हो तभी आप नेक्स्ट टाइम उसे डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, फर्स्ट टाइम पे आप उसे डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं कर सकते। एटलीस्ट 1 ईयर मस्ट हैव एलेप्स्ड सिंस द कंपनी बिकम एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस, कि कंपनी को बिजनेस स्टार्ट किए हुए कम से कम 1 साल हो गया हो तभी वो क्या कर सकती है, डिस्काउंट पे शेयर को इशू कर सकती है, वरना वो डिस्काउंट पे कभी भी सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकती। उसे कम से कम 1 साल कमेंसमेंट को हो गया हो, और जो सिक्योरिटीज वो डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है उसे वो पहले एक बार इशू कर चुकी हो। एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जर्नल मीटिंग, कि इसके रिगार्डिंग कि हम सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हैं, उस पे जो जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग में ये सबका कंसेंट मिला होना चाहिए, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ होना चाहिए। रिक्वायर सेंक्शन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, कि कंपनी लॉ बोर्ड से हमें सेंक्शन और अप्रूवल की नीड होती है कि हाँ हम सिक्योरिटी को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। कंपनी लॉ बोर्ड जब हमें अप्रूवल देता है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और वो जो अप्रूवल कंपनी लॉ बोर्ड से हमें मिलता है उसके within 2 months, उसके अगले 2 month के अंदर अंदर हमें सिक्योरिटी को है जो है डिस्काउंट पे इशू करना होता है। अगर हम 2 month के बाद करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कि वो इलीगल हो जाएगा, या फिर वो वैलिड नहीं होता अप्रूवल। अप्रूवल सिर्फ 2 months के लिए ही वैलिड रहे। अब देखो इश्यू ऑफ सिक्योरिटी कैसे, कौन कौन सी कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों इशू कर सकती हैं। अब पब्लिक और प्राइवेट में एक मेन डिफरेंस क्या है, कि पब्लिक
जो है वो पब्लिक को इनवाइट करती है, जो पब्लिक कंपनी है वो सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों को, नॉर्मल पीपल है, पब्लिक को इनवाइट करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी प्राइवेटली करती है सारे काम, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती सब्सक्रिप्शन या कैपिटल के लिए। तो हम पब्लिक कंपनी में किसकी तरह यूज कर सकते हैं, या तो पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू। ऐसे ही प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू, यानी कि प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू दोनों में सिमिलर है। लेकिन पब्लिक कंपनी एक और चीज क्या यूज कर सकती है, पब्लिक इशू, जिसे हम क्या प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोस्पेक्टस और पब्लिक इशू, कि जो सिर्फ पब्लिक कंपनी ही कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकती, तो पब्लिक इशू सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही कर सकती है। द फर्स्ट डे ऑफ इशू कैपिटल टू द पब्लिक इज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विथ कैन ओनली डन बाय द पब्लिक कंपनी, कि पब्लिक कंपनी ही सिर्फ प्रोस्पेक्टर या पब्लिक इशू को यूज कर सकती है, प्राइवेट कंपनी इसे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ पब्लिक कंपनी ही किसे इनवाइट करती है, नॉर्मल पीपल्स और पब्लिक को। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि वो प्राइवेटली उनके कनेक्शन या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इशू करते हैं। इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेन ऑफर बाय कंपनी टू पब्लिक। अब जब पब्लिक कंपनी जब लोगों को इनवाइट करती है तो क्या, किस चीज को वो फॉलो करती है, वो क्या होता है, प्रोस्पेक्टस। कि वो लोगों को क्या देती है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस देती है। पब्लिक इशू और प्रोस्पेक्टस ऑफ इशू, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस ही इशू की जाती है। प्रोस्पेक्टस क्या है, आप नॉर्मली किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, यूनिवर्सिटीज में जाते हो, तो आपको प्रोस्पेक्टस मिलती है। उसमें क्या होता है, कंपनी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ऐसे ही कंपनी की प्रोस्पेक्टस में क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रिगार्डिंग अपने अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कंटेन किए हुए है। इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेन ऑफर बाय कंपनी टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी एंड वेरियस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंपनीज। कि जो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस होता है या फिर पब्लिक इशू होता है, वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी क्या, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसके अंदर कंटेन होती है, और वो एक क्या है, ऑफर है, ताकि पब्लिक उसे पढ़े और उससे वो अट्रैक्ट हों और कंपनी में इन्वेस्ट करें। हम सबसे पहले क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। जब हम प्रोस्पेक्टस को इशू कर रहे होते हैं तो हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम करते हैं। इसका मतलब है कि एक न्यूज़पेपर में, रीजनल न्यूज़पेपर में, हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में, हमें क्या होता है, एक प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि टीवी वगैरह एडवर्टाइजमेंट में हमें एक बार बताना होता है कि हाँ भाई, इस कंपनी के शेयर पब्लिक में इशू होने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे। ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हमें सबसे पहले देना होता है, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट करनी होती है। देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है कि सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, किस चीज को छोड़ के, शेयर के प्राइस को छोड़ के। वो बिडिंग सिस्टम होता है कि लोग, आप जैसे ये बता दोगे कि 80 से 100 के बीच में लोगों को ऑक्शन में बिड लगानी है, अब जिस पे सबसे ज्यादा बिड लगेंगी वो शेयर प्राइस फिक्स हो जाएगा। देन कंप्लीट फाइनलाइज प्रोस्पेक्टस, कि लास्ट में क्या की जाती है, फिर फाइनलाइज, जिसमें कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, शेयर के प्राइस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन जो गिवन होती है, देन हम वो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट करना कि आपकी कंपनी में वो सब्सक्राइब करें। फिर है इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। अब हम ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों यूज कर सकती हैं प्राइवेट प्लेसमेंट को। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, व्हेन कंपनी वांट फंड, कि कंपनी को कैपिटल तो चाहिए, फंड तो चाहिए, बट डोंट वांट टू गो टू द पब्लिक, लेकिन ज्यादा पब्लिक, लार्ज पब्लिक सब में इशू नहीं करना चाहती। अगर वो सारी ही पब्लिक में इशू करेगी तो फिर तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो सारी पब्लिक को इंक्लूड नहीं करके चलती, सिर्फ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया पे ही वो फोकस करती है, तो हम क्या बोलते हैं उसे, प्राइवेट प्लेसमेंट। एट ए लार्ज ड्यू टू द लेंथ, मीन्स क्योंकि वो ज़्यादा पब्लिक को क्यों नहीं इंक्लूड करना चाहती, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत टाइम कंज्यूम होता है और ये कॉस्टली भी होता है। देयर इज मनी फॉर द स्मॉल ग्रुप अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस, दैट इज इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। किसमें क्या होता है कि लार्ज पब्लिक में जाने की बजाय अगर कंपनी लार्ज पब्लिक में जाती है तो वो कॉस्टलियर भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, और अगर पब्लिक मीन्स सारी पब्लिक को इंक्लूड किया जा रहा है तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा ही नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस हो जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पब्लिक में से एक पर्टिकुलर सेक्शन को चुन लेते हो कि हम इन्हीं को इशू करेंगे और यही हमारी जो है कैपिटल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो क्या होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। यानी कि आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी को पहले से आपने सेलेक्ट कर रखा होता है कि हम इन्हीं से अपने जो कैपिटल है वो गेन करेंगे। इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय राइट इशू। थर्ड इज राइट इशू। राइट इशू इज ऑल्सो नोन एज प्री एम्पटिव राइट फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। कि राइट इशू को हम क्या क्या बोल सकते हैं, प्री एम्पटिव राइट भी बोल सकते हैं और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी बोल सकते हैं। प्रेफरेंशियल यानी कि किसी को पहले प्रेफरेंस मिलती है।
इन दिस इट इज़ द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, किसको प्रेफरेंस मिल रही है, इसका मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जो कंपनी के एग्जिस्टिंग अभी जो शेयर होल्डर हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है, दैट व्हेन कंपनी इज गोइंग टू अनाउंस टू रेज द कैपिटल दे शुड आस्क फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्स्ट टू सब्सक्राइब द न्यू इशू बिफोर गोइंग टू पब्लिक। कि मान लो आपकी कंपनी में अभी 100 क्या है शेयर होल्डर हैं और आपको और कैपिटल की ज़रूरत है, तो आप क्या कर रहे हो, दोबारा आपको इशू करना है। तो जब आप नया इशू करते हो तो पब्लिक को इनवाइट करने से पहले जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं आपको उनसे पूछना पड़ता है, वो उनका राइट है कि क्या आप और शेयर लेना चाहते हो, और अगर वो लेना चाहते हैं तो पहले वो जो नए शेयर्स हैं वो उन्हीं को दे दिए जाते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही पब्लिक में इशू नहीं किए जाते। ये किनका राइट हो गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का, कि जब भी कंपनी अपनी कैपिटल रेज कर रही होती और पब्लिक में जाने से पहले उन्हें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ये पूछना होता है कि क्या वो और शेयर लेने में इंटरेस्टेड है या नहीं। सो इसकी भी एक कंप्लीट प्रोसेस होती है कि कंपनी को क्या करनी है, अपनी कैपिटल रेज करनी है, उन्हें एडिशनल कैपिटल चाहिए, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, ऑफर मस्ट बी मेड टू द प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, कि सबसे पहले ऑफर दिया जाएगा किन्हें, प्रेजेंट जो शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं, कि आप सबको जैसे जिसके पास 10 शेयर हैं उन्हें उनकी प्रोराटा बेसिस पे यानी कि रेशो के बेसिस पे जो उनका रेशो है 5:4:3 उसी बेस पे जो नए शेयर हैं आपको मिल जाएंगे, क्या आप उन्हें खरीदना चाहते हो। फिर नोटिस इज ऑल्सो गिवन टू द शेयर होल्डर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर, उस ऑफर तो दे ही रहे हैं कि हम नए हमें कैपिटल चाहिए है, क्या आप इशू करोगे, मीन्स क्या आप सब्सक्राइब करोगे, और शेयर आप लेना चाहते हो, उसके साथ हम उन्हें क्या बताएंगे, ये भी बताएंगे कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर हमें चाहिए, हमें और कितनी कैपिटल की नीड है। द ऑफर मस्ट कीप ओपन फॉर द पीरियड ऑफ 15 days, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है हमने उन्हें ऑफर दिया है कि हमें और जो है कैपिटल चाहिए तो क्या आप सब्सक्राइब करोगी, तो उन्हें 15 दिन का टाइम हमें कम से कम देना होता है वो इसके रिगार्डिंग सोचे और फिर वो अपना डिसाइड करें। मेंबर मस्ट ऑल्सो गिवन द राइट टू रिनोसिएशन, उसके बाद मेंबर्स के पास ये भी राइट होता है कि वो मना भी कर सकते हैं कि नहीं हमें शेयर्स नहीं चाहिए, आप पब्लिक में इशू कर सकते हो। सो ये कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो की जाती है। अगर हमारे मेंबर्स कह देते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोल देते हैं कि हाँ उन्हें शेयर्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सारे शेयर्स किन्हें इशू किए जाते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट इशू। लेकिन अगर हमारे 90% शेयर होल्डर ने मना कर दिया कि वो नहीं ले रहे, तो फिर हम क्या करेंगे, पब्लिक में इशू कर देंगे। इश्यू ऑफ शेयर बाय बोनस इशू, अब बोनस इशू भी कौन कर सकती है, दोनों कंपनी कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है, पब्लिक भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ एक चीज नहीं कर सकती, वो है प्रोस्पेक्टस और पब्लिक इशू, बाकी हर कोई दोनों सिमिलरली इशू कर सकती है। अब बोनस इशू अकर्स व्हेन द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रॉफिट एंड रिजर्व बाय वे ऑफ डिविडेंट बट रिटेन देम एंड यूज देम टू पे फॉर इशू ऑफ न्यू फुली पेड शेयर। कि बोनस इशू, नेम ही सजेस्ट कर रहा है बोनस, जब आप अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देते हो, बोनस ऑफ शेयर्स, कि आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, आप डिविडेंड की बजाय उसे क्या दे रहे हो, जैसे आपके 10 शेयर होल्डर्स हैं और उनके पास 100 शेयर्स हैं, तो आप उन्हें क्या कहते हो कि अब आपको डिविडेंड की बजाय हम क्या दे रहे हैं, न्यू शेयर्स दे रहे हैं, वो क्या होते हैं, बोनस इशू, कि आपने बोनस दिया है शेयर के फॉर्म में, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको आप क्या करते हो, नए और ज़्यादा शेयर्स दे देते हो, लेकिन उन्हें उनके लिए पे करने की नीड नहीं होती, यानी कि अब उनके पहले उनके पास कितने थे, 100 शेयर्स थे, अब आप सबको 50-50 शेयर्स और दे रहे हो, तो अब सबके कितने शेयर हो जाएंगे, 150 शेयर्स हो जाएंगे। अब बोनस इशू क्या होता है, अब ये क्या है, उसमें डिविडेंड तो नहीं दे रहे आप, डिविडेंड की जगह आपने क्या दिया है उन्हें, शेयर्स, बोनस में आपने शेयर दे दिए, जैसे आप डिविडेंड आपको जो देना था उसके बजाय आप उन्हें 50-50 शेयर्स और दे रहे हो कंपनी के, दिस इज कॉल्ड बोनस शेयर। द इश्यू ऑफ बोनस शेयर इम्प्लाइज द पेमेंट ऑफ डिविडेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर, कि आप डिविडेंट की जो पेमेंट करनी थी आपको, जो डिविडेंट उन्हें देना था उसके बजाय आप उन्हें क्या दे रहे हो, शेयर, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंट किसके फॉर्म में कर रहे हो आप, शेयर इंस्टेड ऑफ कैश, कि कैश की बजाय आपने उन्हें क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। अब शेयर देने से क्या फायदा होगा, कि पहले उनके पास 100 शेयर थे, अब उनके पास 150 हो गए, तो नेक्स्ट ईयर जो उन्हें डिविडेंट मिलेगा वो उन्हें 150 शेयर्स के अकॉर्डिंग मिलेगा, और कंपनी की इशूड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब उनके पास 150 शेयर हो गए, तो अगर वो 150 at the rate 100 ईच थे, तो यानी कि जिसकी पहले 10,000 थी अब उसकी 15,000 हो गई, तो हमारी क्या है, इशूड कैपिटल भी बढ़ जाएगी, और वो शेयर होल्डर के लिए भी बेनिफिशियल है कि नेक्स्ट ईयर उसे 15,000 के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, उसका डिविडेंट मिलेगा। सो इट इंक्रीज द इशूड कैपिटल, एसेट्स वैसे के वैसे रहते हैं, क्योंकि अगर आप डिविडेंट नहीं दे रहे और शेयर को इशू कर रहे हो, यानी कि अगर आप डिविडेंट देते तो आपका कैश जाता, लेकिन अब की बार कैश तो गया नहीं, लेकिन आपने शेयर तो दे दिए ना, इसीलिए आपका एसेट्स वैसा का वैसा रहेगा।
ए कंपनी कैन इश्यू बोनस शेयर ओनली इफ, लेकिन क्या कंपनी कभी भी बोनस इश्यू कर सकती है? नहीं, बोनस इश्यू तभी कर सकती है अगर उनके पास सफिशियंट प्रॉफिट है, जो मीन्स प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आप प्रॉफिट को ही तो जब आप अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी तो आप बोनस दे सकोगे, बोनस शेयर भी आप प्रॉफिट के थ्रू ही दे सकते हो। तो जब एक कंपनी के पास प्रॉफिट है तभी वो बोनस इश्यू ऑफ शेयर कर सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट कंटेन अ प्रोविजन, कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अलाउ करता हो कि आप कंपनी में बोनस इशू कर सकते हो। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं कर रहा तो आपको पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशंस करनी होंगी, देन आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। सूटेबल रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पास्ड हो, कि आपको रेजोल्यूशन यानी कि जो आपके मेंबर्स हैं उनका कंसेंट मिले कि हाँ बोनस इशू किया जा सकता है। फॉर्मल अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सारे जो शेयर होल्डर हैं सबका कंसेंट हमारे पास होना चाहिए। गाइडलाइंस रिगार्डिंग द इशू ऑफ बोनस शेयर प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, कि जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी जो गाइडलाइंस है बोनस इशू के रिगार्डिंग, वो हमें सारी फॉलो करनी चाहिए, तभी हमारा एक लीगल बोनस इशू हो सकता है। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद इशू ऑफ शेयर्स। एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने क्या किया है, मीनिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर, कि उनका मीनिंग क्या होता है। फिर हम इशू किस किस तरीके से कर सकते हैं, पास जो हमारी फेस वैल्यू है उस पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट पे कर सकते हैं। अगर हम डिस्काउंट पे करते हैं तो हम पे कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती है जो हमें फॉलो करनी होती हैं। अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी इशू कैसे कर सकती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू और पब्लिक इशू, सिर्फ एक का डिफरेंस है, यानी कि दोनों कंपनी के बाकी तो सेम है, सिर्फ पब्लिक कंपनी एक एक्स्ट्रा चीज क्या कर रही है, प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। सो हमने प्रोस्पेक्टस किया, उसका वो कैसे इशू होती है वो किया, उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, नाउ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता क्या है। अब हमने इशू कर दिए पब्लिक में और पब्लिक जब सब्सक्राइब भी करे, पब्लिक के एप्लीकेशन आ गई, मान लो हमने 10,000 शेयर जो है वो पब्लिक में इशू किए थे और हमारे पास 10,000 की 10,000 हमारे पास क्या आ गई, पब्लिक की एप्लीकेशन आ गई, तो हम सबको क्या करेंगे, अब अलॉट कर देंगे, सबको शेयर दे देंगे। अलॉटमेंट का मतलब है जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई है उनको शेयर दे देना, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इट इज़ अ फर्दर प्रोसेस आफ्टर द इश्यू ऑफ शेयर टू पब्लिक, कि ये कौन सी प्रोसेस है जो इश्यू ऑफ शेयर के बाद आती है। व्हेन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फ्रॉम पब्लिक दे डू अलॉट, कि जब पब्लिक से एप्लीकेशन मिल जाती है आपके शेयर के लिए तो अब कंपनी को क्या काम करना होता है, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर, और वो किसके बेसिस पे होता है, कि कितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं और हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है। अगर हमने 10,000 इशू किए थे और 10 की 10,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इसका मतलब जिसने जितने के लिए इशू किया था उसको उतने ही शेयर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास कितनी आई है, 10,000 हमने इशू किए थे, हमारे पास एप्लीकेशन 20,000 लोगों ने ये मीन्स ये दिखाया कि हाँ वो हमारी कंपनी के शेयर देना चाहते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसको कितने शेयर दें, उसके लिए भी हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज करते हैं। दीज डेज द एप्लीकेशन रिसीव्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि आजकल के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। फॉर विच डीमेट अकाउंट इज नेसेसरी फॉर हैविंग सिक्योरिटी विच इज ओपन बाय डिफरेंट बैंक, कि उसके अब हमें अगर इलेक्ट्रॉनिकली डील करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डीमेट अकाउंट होना चाहिए, जो हम किसी भी बैंक में खुला सकते हैं और वो बहुत ही कम कॉस्ट पे और कई बार फ्री में खुल जाता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है। और अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपकी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो अपने शेयर्स को। प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि क्या क्या चीजें हमें प्रोविजंस फॉलो करने होते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर के, तो जनरल प्रोविजंस क्या होते हैं, अलॉटमेंट मस्ट बी प्रॉपर अथॉरिटी, कि अलॉटमेंट जैसे एक कंपनी है उसके अलॉटमेंट कौन करता है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, सो प्रॉपर अथॉरिटी, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलॉट किया है तभी वो रियल अलॉटमेंट होगी, ऐसे ही कोई भी अलॉट नहीं कर सकता, तो अलॉटमेंट हमेशा एक प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू होनी चाहिए। अलॉटमेंट मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम, कि अलॉटमेंट भी एक कंप्लीट रीजनेबल टाइम, जैसे आपने आज किए अगले 15-20 दिन में आपको एप्लीकेशन मिल गई, तो आपको उसके रीजनेबल टाइम, ऐसा नहीं है कि आप 2 साल बाद अलॉटमेंट कर रहे हो, एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट कर देने चाहिए, लोगों को अलॉट कर देने चाहिए शेयर्स। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि ये कम्युनिकेट किया गया हो, कि मीन्स जैसे आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको भी बताया जाए कि आपको इतने शेयर दिए जा रहे हैं, और कंपनी के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट किया जाए कि हमने इतने न्यू शेयर होल्डर्स अपॉइंट किए, अलॉट किए हैं।
इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, कि अलॉटमेंट कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, एब्सोल्यूट फेक ना हो, रियल हो, कि हम एक तो रियल क्या कि जेन्युइन पर्सन के पास हमारे शेयर्स जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आर्टिफिशियली हमें पता ही नहीं कि ये एक्जिस्ट करता है या नहीं, हमें वेरिफिकेशन के साथ हमारे शेयर अलॉट करने चाहिए। और अनकंडीशनल मतलब हम ये नहीं कर सकते कि हम आपको 1000 शेयर दे रहे हैं, हम तभी देंगे जब आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, हम कोई कंडीशन नहीं लगा सकते अलॉटमेंट पे, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। फिर है, अभी तो हमने किए जनरल प्रोविजंस, फिर है स्पेशल प्रोविजंस। अब स्पेशल प्रोविजन दो तरीके के होते हैं, एक तो जब पब्लिक कंपनी ऑफर कर रही है पब्लिक को, और एक जब नहीं कर रही। अब हमने किया था कि पब्लिक कंपनी तो पब्लिक को ऑफर करती ही है नॉर्मली, लेकिन याद करो इशू में हमने तीन टाइप किए थे कि पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। उस प्राइवेट प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं कि बोलते हैं कि पब्लिक को ऑफर नहीं किया गया। देयर इज ओनली वन रिस्ट्रिक्शंस एज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कि जब पब्लिक कंपनी पब्लिक को इशू नहीं कर रही, कुछ ही लोगों से पैसे ले रही है, उसमें सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो क्या है, दैट जब भी आपने अलॉटमेंट करनी है उससे 2-3 दिन पहले पहले आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आरओसी को करा दो, आरओसी के पास डिपॉजिट करा दो। आरओसी कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होती है, हमने प्रोस्पेक्टस में इसे डिस्कस भी किया था, इसका मीनिंग भी किया था। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है कि जब आप पूरी पब्लिक में ना जाके एक स्मॉल एरिया ऑफ पब्लिक से पैसे लेते हो, सब्सक्राइब करवाते हो, तो तब आपको प्रोस्पेक्टस नहीं इशू करनी होती, तब आपको क्या इशू करना होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो विद इन 2-3 डेज अलॉटमेंट से 2-3 दिन पहले ही आपको क्या, वो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आपको किसके पास डिपॉजिट करानी होती है, आरओसी के पास। अगर आपने इसे फॉलो नहीं किया, इसे कॉम्प्लायंस नहीं किया, तो क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है या फिर आपकी जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या हो जाएगी, वो वॉइडेबल हो जाएगी और वो इलीगल हो जाएगी, अलॉटमेंट आप नहीं कर पाओगे, और जो भी ऑफिसर्स इसके लिए गिल्टी हैं उन्हें पनिश भी किया जाएगा। When an offer to public is made, अब ये क्या था कि जब पब्लिक को ऑफर नहीं दे रहे तो सिर्फ एक ही चीज़ हमें फॉलो करनी होती है कि हम क्या करें, स्टेटमेंट इन लिव ऑफ प्रोस्पेक्टस को डिपॉजिट करा दें। लेकिन जब हमें पब्लिक को ऑफर किया है, पब्लिक को इनवाइट किया है, तब हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी होती है। फर्स्ट, अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी ड्यूली फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, कि जो आपकी प्रोस्पेक्टस है, क्योंकि आप पब्लिक को इशू कर रहे हो तो तब क्या होती है, प्रोस्पेक्टस, और वो जो प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी इशू करती है उसे आरओसी के पास डिपॉजिट कराना होता है। द कंपनी मस्ट रिसीव एटलीस्ट 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ऑन एप्लीकेशन मनी, कि कंपनी ने जितना पब्लिक में इशू किया है एटलीस्ट उसका 5% उसे एप्लीकेशन मनी पे रिसीव हो जाना चाहिए। कि जैसे हमारा जो सब्सक्राइबर का पैसा होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल, और अगर ज़्यादा कॉल करनी होती है तो कंपनी की मर्जी होती है। तो जब एप्लीकेशन है उस पर एटलीस्ट 5% हमारी मनी या फिर नॉमिनल वैल्यू आ जानी चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे हम, मान लो हमारे 10,000 शेयर थे एट द रेट ऑफ 10 ईच, इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 1,00,000। अब 1,00,000 का 5% कितना होगा, 5,000। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एप्लीकेशन पे एटलीस्ट 5,000 जो है वो रिसीव होने चाहिए, वरना हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। कम से कम अगर हमारे 5,000 रिसीव नहीं होंगे तो हमें वो सारे पैसे वापस कर देने होंगे, हम वो इशू रेगुलर नहीं कर सकेंगे। अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इट शुड बी रिसीव्ड बाय द कंपनी विद इन 120 डेज ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि जब आपको इश्यू प्रोस्पेक्टस को इश्यू किए 120 दिन या 120 डेज हो गए हैं, उसके अंदर अंदर आपको 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% आपको मिल चुका हो। जैसे हमारा 5% कितना था, 5,000 था, ऐसे 90% कितना होगा, 90,000, कि आपको 120 डेज के अंदर अंदर अगर आपको 90% सब्सक्रिप्शन मिल चुका है तभी आप अलॉटमेंट को क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपॉजिटेड इन अ शेड्यूल बैंक, कि एक शेड्यूल बैंक होता है उसमें ही आपका एप्लीकेशन मनी रखा जाता है। जैसे आपके जो एप्लीकेंट हैं उनका 1,00,000 का मनी था ना टोटल, अब वो 1,00,000 मनी रखा हमने एक बैंक में। अब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है कि हमने 10,000 इशू किए थे लेकिन हमारे पास 20,000 एप्लीकेशन आई हुई है, यानी कि एप्लीकेशन मनी भी ज़्यादा आया हुआ है। अब उस एप्लीकेशन मनी में से सारे 20,000 को तो हम दे नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे पास हैं कितने टोटल, सिर्फ 10,000 हैं, तो हम सिर्फ 10,000 इशू कर सकेंगे, बाकी तो हमें वापस करने होंगे ना। तो जब वापस करेंगे तो उनका एप्लीकेशन मनी भी वापस करना होगा क्योंकि उन सब ने अपना एप्लीकेशन मनी हमारे एक बैंक में डिपॉजिट करा रखा है। हमारे 20,000 आए हुए हैं, हमें सिर्फ 10,000 चाहिए थे, तो हम
बाकी बचे हुए 10,000 को जो पैसा वापस देंगे उसमें कंपनी बहुत बार मतलब ऐसे टालती रहती है, उसे पोस्टपोन करती रहती है कि आपको आपके पैसे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। तो उसके लिए क्या रेगुलेशन बनाया है कि वो पैसा एक बैंक में होगा, अगर उन्हें शेयर मिलते हैं तो बैंक जो कंपनी है बैंक से पैसे ले लेगी, अगर शेयर नहीं मिलते तो वो उसी बैंक में रह जाएंगे और जिन लोगों को शेयर नहीं मिले वो अपना पैसा निकाल के लेके जा सकते हैं। सो जो भी एप्लीकेशन मनी होगा वो एक शेड्यूल्ड बैंक में डिपॉजिट होगा। द कंपनी शैल नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर अनटिल द बिगनिंग ऑफ द फिफ्थ डे और द डे मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, कि कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू की है उसके 5 दिन से पहले वो अलॉटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकती। कम से कम 5 दिन अलॉटमेंट स्टार्ट करने से पहले दिए जाते हैं कि लोग एप्लीकेशन मनी डालें, तो 5 दिन से पहले वो स्टार्ट नहीं कर सकती। मिनिमम कितने होते हैं? 5 डेज। मैक्सिमम क्या है जो आपने प्रोस्पेक्टस में पहले से ही डाल रखा है कि 1 हफ्ते बाद स्टार्ट होगी या 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होगी? वो तो आप प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग करोगे, अदरवाइज 5 दिन से पहले पहले आप नहीं कर सकते। और 6th क्या है, शेयर एंड डिबेंचर टू बी डील्ट इन द स्टॉक एक्सचेंज, कि जो भी आपने सिक्योरिटी इशू की है उसके रीजनल स्टॉक एक्सचेंज से आपने परमिशन ले रखी है कि आप पब्लिक को इनवाइट करने जा रहे हो सिक्योरिटी के लिए। अगर आपके पास परमिशन है तभी आप इशू कर सकते हो, अदरवाइज आप इशू नहीं कर सकते। और वही अगर आपके पास इशू की परमिशन नहीं है तो आप अलॉट कैसे करोगे? आपके पास जो एप्लीकेशन मनी आया है उसे आपको वापस देना पड़ेगा अगर स्टॉक एक्सचेंज ने मनी मना कर दिया आपको अलॉट करने के लिए। अब नॉन कॉम्प्लायंस, अगर इन 6 लॉज को, इन 6 प्रोविजन को हम फॉलो नहीं करते तो क्या होगा? इफ अ कंपनी विल नॉट फॉलो, अगर एक कंपनी ने एक तो ये नहीं फॉलो किया कि वो प्रोस्पेक्टस भी हमारी डिपॉजिट नहीं करा रही है आरओसी के पास, तो क्या होगा? हम एक एक के बारे में करते हैं। अगर उसने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कराई तो वॉइड तो नहीं होगा हमारा, मीन्स वॉइड तो नहीं, हमारी जो अलॉटमेंट है हम वो कर तो पाएंगे, लेकिन कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फाइन बियर करना पड़ेगा, उन्हें पनिशमेंट बियर करनी पड़ेगी। सेकंड क्या था कि वो 5% उन्हें मिला ना हो, अगर बिना 5% के वो अलॉटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? वॉइडेबल हो जाएगी। अगर उन्हें 5% नहीं मिलता और फिर भी वो अलॉटमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है? अलॉटमेंट वॉइडेबल है, यानी कि वो सही नहीं है, वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाएगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो भी वो क्या हो जाएगी? वॉइडेबल हो जाएगी। यानी कि ये दो नेसेसरी हैं, अगर हम ये नहीं होते हैं तो हमारी वो क्या कंसिडर किया जाएगा? वॉइडेबल किया जाएगा। और वॉइड का तो हमने किया है कि जो मीन्स जो इनवैलिड होते हैं एक तरीके से, जिनकी एग्जिस्टेंस हम नहीं मानते। तो अगर ये दो प्रोविजंस हम फॉलो नहीं करते तो हमारा एग्रीमेंट या फिर जो अलॉटमेंट है वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट बी डिपॉजिट इन अ शेड्यूल बैंक। अब शेड्यूल बैंक में भी एप्लीकेशन को डिपॉजिट करना नेसेसरी है क्योंकि इसके रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन बना है। तो अगर शेड्यूल बैंक में भी वो डिपॉजिट नहीं करते हैं अपने पैसे को तो भी क्या हो जाएगा? वो वॉइडेबल हो जाएगा। द कंपनी शैल नॉट प्रोसीड, अगर वो ये वाला प्रोविजन फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? वॉइडेबल तो नहीं होगा लेकिन उन्हें क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी और उन्हें फाइन भी देना पड़ेगा। सो हमारा फाइन किस किस में हुआ? अगर वो पहले को फॉलो नहीं करते और आखिरी को फॉलो नहीं करते तो उन्हें क्या करना पड़ता है? फाइन देना पड़ता है। लेकिन बीच के 3 को अगर वो नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं तो क्या है? उनका एग्रीमेंट ही वॉइडेबल हो जाएगा, जिसका कोई भी आगे इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज शेयर एंड डिबेंचर बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज से आपके पास परमिशन ही नहीं है, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो सिंपली वो क्या हो गया? वॉइडेबल हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 2 चीजें, 2 हमारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको हम कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रोस्पेक्टस वाला, कि हम प्रोस्पेक्टस अगर फाइल ना करें, फर्स्ट है प्रोस्पेक्टस वाला, और अगर हम क्या करते हैं उस डेट से पहले स्टार्ट कर देते हैं तो मे बी हम सिर्फ फाइन से बच जाते हैं, सिर्फ फाइन दे के हम क्या कर सकते हैं? अलॉटमेंट चालू रख सकते हैं, अदरवाइज हम अलॉटमेंट कर ही नहीं पाएंगे अगर हमने बाकी प्रोविजन को फॉलो नहीं किया तो। नेक्स्ट इज इरेगुलर अलॉटमेंट एंड इन इफेक्ट। अब इरेगुलर अलॉटमेंट कौन सी होगी? वो सारी अलॉटमेंट जिसमें हमने इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया, यानी कि इस प्रोविजन को भी जो पब्लिक में इशू नहीं किया, यानी कि आपने आरओसी के साथ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस आपने डिपॉजिट नहीं कराई, या फिर आपने इन सब प्रोविजन को फॉलो नहीं किया है, तो वो कौन से हो जाएंगी? हमारी इरेगुलर अलॉटमेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? वो कौन सी अलॉटमेंट है जो प्रोविजंस फॉलो नहीं करती, उस अलॉटमेंट को हम बोलते हैं इरेगुलर अलॉटमेंट। तो अगर हम इरेगुलर अलॉटमेंट कर रहे हैं तो उसके क्या क्या इफेक्ट देखे हैं हमने? फाइन लगेगा कंपनी को, वो वॉइडेबल भी हो सकते हैं। अब वॉइडेबल कौन कौन से थे? ये तीनों, चारों तीन को, कंपनी मस्ट रिसीव 5%, और ये सब क्या था? ये क्या बना रहा है उसे? वॉइडेबल बना रहा है। सो या तो वो वॉइडेबल हो जाएगा यानी कि वो वैलिड नहीं होगा और इरेगुलर हो जाएगी, या फिर डायरेक्टर यानी कि जिस पर्सन की गलती की वजह से वो इरेगुलर हुई है उसको फाइन लगेगा, इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन कंपनी को भी पे करना पड़ेगा। तो ये 3 क्या है? इरेगुलर अलॉटमेंट के इफेक्ट है।
अब हमने अलॉटमेंट प्रोसीजर रह गया कि हम अलॉटमेंट कैसे करते हैं. अलॉटमेंट प्रोसीजर है, आफ्टर द डायरेक्टर इज फुली सेटिस्फाइड दैट स्टैट्यूटरी कंडीशन फॉर वैलिड अलॉटमेंट हैव बीन ड्यूली कंफर्म्ड, कि हमने क्या किया कि अगर ये प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जाते तो हमारी अलॉटमेंट क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है. लेकिन अगर डायरेक्टर ने ये कंफर्म कर लिया है कि हमने सारे प्रोविजन को फॉलो किया है, हमने सारे लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो किया है, सारी स्टैट्यूटरी कंडीशन हमने फुलफिल कर दी हैं, तो अब वो किस चीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे कि अब वो अलॉटमेंट प्रोसीजर शुरू कर देंगे. अब अलॉटमेंट प्रोसीजर तीन तरीके से हो सकता है कि हमारे अंडर सब्सक्राइब हैं, ओवर सब्सक्राइब हैं या फुली सब्सक्राइब हैं. अब अंडर सब्सक्राइब क्या होते हैं और ओवर सब्सक्राइब क्या होते हैं, कि जैसे अपने 10,000 इशू किए थे, अगर 10 के 10,000 के लिए एप्लीकेशन मिलती है तो वो क्या है, फुली सब्सक्राइब्ड, कि 10,000 चाहिए थे 10,000 ही मिल गई. लेकिन 10,000 चाहिए थे और 15,000 मिले हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, ओवर सब्सक्राइब्ड है. और हमें 10,000 चाहिए थे और 8,000 मिले हैं, इसका मतलब क्या है, वो अंडर सब्सक्राइब्ड है. हम तीनों कंडीशन में देखेंगे. इफ देयर आर अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुली सब्सक्राइब्ड, कि या तो फुली सब्सक्राइब्ड हैं कि 10,000 के 10,000 मिल गए, या अंडर हैं कि 10,000 चाहिए थे लेकिन 8,000 मिली हैं. सो बोर्ड कैन अलॉट ऑफ ईच एप्लीकेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, तो हर एप्लीकेंट को उतने ही शेयर मिल जाएंगे जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया है, क्योंकि जितने हमें चाहिए थे उतने ही मिल रहे हैं, तो जिसको जितने चाहिए थे हमने उसको उतने पे कर दिए. अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड एंड दे विल कम्प्लीट द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द सब्सक्रिप्शन, कि जैसे हमें 10,000 क्या चाहिए थे, हमें 10,000 कैपिटल चाहिए थी और लोगों ने 10,000 के लिए ही अप्लाई किया है, तो फुलफिल हो रहा है सारा, ना कुछ ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जिसने जितना मांगे हैं, जिसने जितने शेयर के लिए अलॉटमेंट चाहिए है, एप्लीकेशन दी है, उसको हम उतने ही अलॉटमेंट दे देंगे. उसमें क्या होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, उनके साइन हो जाएंगे उस पेपर पे जिस पे ये लिखा होगा कि किस शेयर होल्डर का नाम होगा और उसके नाम के आगे उसके कितने शेयर हैं वो लिखा होगा, और हम उन्हें दे देंगे. लेकिन अगर हमारे शेयर ओवर सब्सक्राइब हैं, अब हमें चाहिए 10,000 थी, मिली 15,000 हुई है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि किसे कितना दें, किसी को 1,000 देंगे, किसी को 500 देंगे, किसको कितने शेयर दें और किसको ना दें, क्योंकि 5,000 तो हमें वापस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास 5,000 ज़्यादा आए हुए हैं, सिर्फ हम तो 10,000 ही ले सकते हैं. सो उसमें क्या करते हैं कि लार्जर नंबर ऑफ शेयर देन ऑफर्ड बाय सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड, कि ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर हमें मिले हैं जितने हमें ऑफर किए थे उससे. देयर अराइजेज द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द अलॉटमेंट पॉलिसी, किस टाइम पे हमें प्रॉब्लम होती है कि हम किसे दें किसे ना दें. सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, वो एक अपॉइंट करते हैं, एक सब कमेटी बनाते हैं, उसमें भी डायरेक्टर ही होते हैं, और वो क्या करती है, वो सब कमेटी डिसाइड करती है कि अलॉटमेंट कैसे की जाएगी, किस बेसिस पे की जाएगी, और फिर वो कमेटी जो रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देती है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि किसको अलॉटमेंट किया जाएगा. अब कमेटी कैसे करेगी कि भाई किसे कितने देने हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें यूज कर सकती है. पहला लॉटरी, कि वो क्या कर देगी, चिट बना देगी सबके नाम की, और एक एक चिट उठा लेगी, रैंडम पिक करेगी और देखेगी जिसका नाम आ रहा है उन सबको मिल जाएंगे, जिनका नाम नहीं आएगा वो रह जाएंगे. या तो वो लॉटरी ट्रीटमेंट कर सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है, प्रो राटा बेसिस, कि किस पे, जैसे किसी ने 100 के लिए अप्लाई किया, किसी ने 200 के लिए, तो सबको किसी ना किसी अमाउंट का शेयर जरूर मिलेगा, कोई ऐसा एप्लीकेंट नहीं रहेगा जिसे एक भी शेयर ना मिला हो, बस उन्होंने जितने के लिए अप्लाई किया है ना उस रेशियो पे डिवाइड कर दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो हमें 1,000 शेयर चाहिए थे, उसके लिए हमारे पास 3 लोगों ने अप्लाई कर लिया, एक ने किया 500 के लिए, दूसरे ने किया 800 के लिए, और अगले ने किया 400 के लिए. अब हमें चाहिए कितने थे, 1,000, और हमें मिले कितने, टोटल 1,700. हमारे पास आ गए 1,700 और हमें चाहिए कितने थे, 1,000, यानी कि हमारे पास कितने ज़्यादा हैं, 700 ज़्यादा हैं. तो हम किस बेसिस पे करेंगे कि इनका रेशो क्या हो गया, 5:8:4, तो हम 1,000 को कैसे डिवाइड कर देंगे, 5:8:4 में डिवाइड कर देंगे, और इस रेशो पे इनको दे देंगे कि इसको कितने शेयर मिलने चाहिए. ये क्या था हमारा, प्रोराटा बेसिस, या फिर प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि हम जिसे, जो हमारी बोर्ड ऑफ कमेटी है जिसने बनाई है, कमेटी के मेंबर्स को जो प्रेफर करते हैं, जिनको मन करेगा उसे दे देंगे और जिसका मन करेगा उसे नहीं देंगे. फिर वो सब कमेटी क्या करेगी, सबमिट करेगी रिपोर्ट रिलेटिंग टू द स्कीम ऑफ अलॉटमेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच विल कन्फर्म इट विद और विदाउट मॉडिफिकेशन. कि सब कमेटी रिपोर्ट देके बना के दे देगी कि हमने इन इन शेयर होल्डर का नाम लिया, इन्हें इतने इतने देने हैं, वो किसी भी बेस पे हो सकता है, लॉटरी सिस्टम, प्रो राटा, या फिर प्रिफरेंशियल. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसे क्या करेंगे, अपने सिग्नेचर के साथ कंफर्म कर देंगे. ऐसा भी हो सकता है कि वो उसमें कुछ चेंजेस कर दें या फिर ना भी करें. दे विल एंटर द नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड अगेंस्ट द नेम ऑफ ईच सक्सेसफुल एप्लीकेंट इन द शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, कि उस लिस्ट में जो जो सक्सेसफुल रहा है कंपनी के शेयर लेने में, उसके सामने उसके नंबर ऑफ शेयर लिखे जाएंगे,
होंगे और वो सबमिट कर दी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जिसके उनपे साइन हो जाते हैं। अब जिस जिसको शेयर मिले हैं ना, उसका तो एप्लीकेशन मनी ले लिया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे अगर रह गए कि जो शेयर नहीं ले पाए क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो उनका एप्लीकेशन मनी क्या किया जाएगा, उनको वापस दे दिया जाएगा, क्योंकि वो किसमें होता है, एक शेड्यूल्ड पहले से ही एक बैंक में होता है। कंपनी सिर्फ उनका एप्लीकेशन मनी लेगी जिनको उन्होंने अलॉट किया है, बाकी का एप्लीकेशन मनी उस बैंक में ही रह जाएगा और वो मेंबर अपने आप ले लेंगे।